कैटरीना कैफ और विकी कौशल को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स मनविंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया है। बता दें कि विकी कौशल ने कुछ दिनों पहले मनविंदर सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें एक्टर ने आरोप लगाया था कि आरोपी शख्स कैटरीना से शादी करना चाहता था और पिछले कुछ महीनों से वो एक्ट्रेस को अश्लील मैसेजेस भेज रहा था। विकी की शिकायत पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी मनविंदर सिंह को सांता क्रूज से गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में एक नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपी ने वकील संदीप शेर खाने ने दावा किया है कि मनविंदर पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। ना तो मनविंदर ने कैटरीना को कभी स्टॉक किया और ना ही विक्की को जान से मारने की धमकी दी थी। वकील ने यह भी बताया कि कैटरीना और उनके परिवार के लोग पिछले 3 साल से मनविंदर के संपर्क में थे। इन दोनों के बीच अक्सर सोशल मीडिया पर बातचीत होती थी। इतना ही नहीं, वकील ने यह भी दावा किया कि मनविंदर काफी समय से कैटरीना कैफ की बहन आयशा कैफ के टच में भी था। मनविंदर अक्सर कैटरीना और विक्की की तस्वीरों पर कमेंट करता था। वकील ने आरोप लगाया कि दोनों एक्टरों ने मनविंदर को फंसाने के लिए उसके सारे कमेंट्स को डिलीट कर दिया है। बता दें कि विक्की की शिकायत पर पुलिस ने मनविंदर सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354D 5062 और IT एक्टर सेक्शन 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट पर ज़रूर बताइए और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।